अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े व्यापार मेले का इंतजार हर किसी को रहता है, जो दिल्ली के प्रगति मैदान में हर साल नवंबर के महीने में लगता है। इस मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इस मेले का दायरा इतना फैला हुआ होता है कि आप एक दिन में ये मेला पूरा नहीं घूम सकते। सभी विविधताओं के साथ इस मेले की पूरे साल तैयारी चलती है, तब कहीं जाकर 14 दिन के लिए ये मेला लगकर तैयार हो पाता है। लेकिन इस साल से इस मेले को सीमित कर दिया गया है। अब ट्रेड फेयर पूरे प्रगति मैदान में नहीं लगेगा, पूरे मैदान के सिर्फ 20% हिस्से में ही ये मेला लगेगा। हर साल होने वाली अथाह भीड़ के लिहाज से मेले को सीमित करने का फैसला लिया गया है। 14 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक चलने वाले इस 38वें ट्रेड फेयर में सिर्फ 800 पार्टिसिपेंट्स ही होंगे, जो हर साल 5000 से 6500 होते हैं। इसके अलावा इस बार मेले में एक दिन में मात्र 25000 लोगों को ही एंट्री मिलेगी। ITPO के अधिकारियों के मुताबिक इस बार मेले की थीम रूरल एंटरप्राइज इन इंडिया रखी गई है। इस बार मेले में भारत का पार्टनर कंट्री अफगानिस्तान और फोकस कंट्री नेपाल होगा, जबकि फोकस राज्य झारखंड को बनाया गया है। 14 नवंबर से शुरू होने वाले मेले के पहले 4 दिन व्यापारियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। पिछली बार की तरह पाकिस्तान इस बार भी ट्रेड फेयर का हिस्सा नहीं होगा। इस बार मेले में 16 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, हांगकांग, किर्गिस्तान, ईरान, म्यांमार, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, थाईलैंड, टर्की, ट्यूनिशिया, वियतनाम और UAE शामिल हैं।